नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया न्यूज 1। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खबर शाहजहांपुर से है। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के कलान थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के बारातियों से भरी बस में ट्रक ने मारी टक्कर, जिससे बस गहराई में उतर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक समेत 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को शाहजहांपुर व फरुखाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह थाना क्षेत्र में बदायूं कलान रोड पर जखिया गांव के पास बारातियों से भरी बस में सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने मार दी टक्कर। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक व बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और बारातियों समेत बस सड़क किनारे गहरी खाई में उतर गई। हादसा देख स्थानीय लोग मौके की ओर दौड़ पड़े। घटना के बाद वहां काफ़ी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने फौरन पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे बारातियों व ट्रक में फंसे चालक को बाहर निकाला। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक चालक समेत 22 लोग घायल हो गए। घायलों को शाहजहांपुर व फरुखाबाद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वालों की शिनाख्त एटा के राजा रामपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत भगवानपुर के मजरा टिकैतपुर निवासी बदन सिंह 50 वर्ष उम्र के रूप में हुई। वहीं शाहजहांपुर में भर्ती एटा के भगवानपुरा निवासी तोरण 55 वर्षीय आकाश, कैमा निवासी पप्पू व बुलंदशहर निवासी ट्रक चालक आजाद 40 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। भगवानपुर निवासी अवधेश ने बताया कि उनके बेटे ध्रुव की शादी शाहजहांपुर के कलान क्षेत्र के गांव विचौला निवासी गजेंद्र की बेटी बबली के साथ बुधवार को होना तय हुई थी। शादी संपन्न होने के बाद गुरुवार सुबह दुल्हन की विदाई के बाद सभी बाराती बस से वापस एटा जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बारातियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 21 बाराती घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने अवधेश की तहरीर पर ट्रक चालक के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घायल तो सभी लोग सभी घायल है, लेकिन खत्म। कहाँ जा रहे थे तुम लोग? जा रहे थे घर पे। कहाँ से? बारात से लौट रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? किसने ठोकी थी? ट्रक वाले ड्राइवर। लगभग बस में कितने क्या लोग सवार थे? घटना हुई थी भैया, बाप 5:15 पर हुई थी। क्या कैसे ये बस जो गिरी, ये कहाँ से आ रही थी? ये बस बिचौला गांव से आ रही थी। कहाँ के लिए? अलीगंज के लिए वापस जा रही थी। क्यों जा रही थी वापस? बारात उठा के जा रही थी वापस। फिर क्या हुआ? पर 5:15 पर टक्कर हो गई। काहे से हुई टक्कर? ठेला से। ठेला से टक्कर हुई। कितने लोग इसमें जो है घायल हुए हैं और कितने लोग मृत हो चुके हैं? जहाँ 5 लोग बताए हैं खत्म हो चुके हैं और करीब 20 लोग घायल हैं। आप कौन है? आप कंडक्टर हैं गाड़ी के? आप बस के कंडक्टर हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? छोटे लाल। हमारे पास थाना का क्षेत्र से 4 लोग लाए गए हैं, एक्सीडेंटल इंजरीज है। बताया गया है कि ट्रक और बस में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है, उसका सब पोस्टमार्टम के लिए रख दिया गया है। बाकी अभी हमारे पास 4 ही आए, 4 का ही इलाज किया जा रहा है गंभीर। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता नवनीत शर्मा की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज 1 के साथ।